यार्स कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि मेहंदी की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जिस तरह का फोटोशूट है इस तरह की ये वीडियो भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो बहुत ज़्यादा इसमें भी हल्ला गुल्ला हुआ, मज़ा हुआ, मस्ती हुई। जो जो पहले रस्म हुई है, जो भी ढोल वगैरह है, उसकी मैंने सारी आपको आवाज़ सुना दी है और आपने ज़रूर इंजॉय किया होगा। तो ये देखिए जी, रस्म शुरू होने लगी है। तो ये देखिए, सबसे पहले मामा ने रस्म की और मामा ने प्यार वगैरह दिया और सारा कुछ इस तरह। अगर आप मेकअप करवाना चाहते हैं तो मेकअप तो मैंने घर में करवाया था, मेरी एक फ्रेंड ने किया था, तो उसने और मैंने मिल के भी मतलब ये मेकअप वगैरह किया, मतलब कोर्स बहुत अच्छा लगा। तो उसने मुझे मेकअप किया, बहुत अच्छा लगा। साथ साथ मैंने मतलब जो भी कर सकती थी खुद भी किया, लेकिन ज़्यादा उन्होंने मुझे किया। बहुत अच्छा मेकअप था, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच टू हर वंस अगेन। तो अगर आप इस तरह का फ़ोटोशूट बहुत अच्छा करवाना चाहते हो तो आप ज़रूर करवा सकते हैं। क्यों कि मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, आप उनसे रब्ता वगैरह कर सकते हैं। और जो मेरी तस्वीरें अगर मेहंदी की सारी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो मोदी स्टूडियो के नाम से ये एक स्टूडियो है जहाँ पे आप जितनी भी फोटोग्राफी वगैरह जो भी करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। उसका लिंक ज़रूर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, आप ज़रूर आप रब्ता कीजिएगा। जो भी फंक्शन हुआ या कुछ भी हुआ तो आप ज़रूर देखिएगा और साथ मतलब कुछ भी करवा सकते हैं। बहुत हर किस्म की जहाँ पर आप बोलें, जिस तरह का आप बोलें, फ़ोटोशूट हो सकता है। तो ये देखिए जी, सबसे पहले मामा ने किया, फिर बहनों ने रस्म वगैरह की, तो बहुत अच्छा लगा। साथ साथ तस्वीरें वगैरह भी बनी, साथ साथ मेरी मेहंदी की भी हो रही, बहुत अच्छा है। ये भी सारा सेटअप मेरी साइरा ने भी किया। और उसी मौसम मतलब थोड़ा ठंडा था तो मतलब हवा वगैरह चल रही थी, तो इसलिए थोड़े कंफ्यूज थे कि अच्छा ये करेंगे वो करेंगे, ये नौ ख़राब हो जाए इस तरह। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, तो देर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मेहंदी आने में थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि जिन्होंने लानी थी वो थोड़े से मतलब कह रहे थे कि हम दूर हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए फिर भाइयों ने की, मेरे बहनों के बाद मतलब फैमिली के बाद आप देखें जो जो आएंगे उनके साथ मज़ा करेंगे। तो सबसे पहले कहता है केक खाओगी, पहले यहाँ मैं इंजॉय कर लूँ। मैंने कहा तुम खिला दो, क्योंकि कल मिठाई थी और मिठाई खा के फिर मैं मतलब आज केक था, ये थोड़ा चेंज था, क्रीमी था, जो सिर्फ क्रीम मैंने खाई और थोड़ा इसके साथ किया। कहता है मैं टेस्ट कर लिया मज़े का, अब तुम खा लो। मैं कहा ठीक है। तो ये देखे जी कितना अच्छा लग रहा है, चूचा भी आज छोटा भाई मेरा, और बड़े के तो थोड़ी सी ब्लर तस्वीर आ रही है क्योंकि वहाँ पर मतलब जो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा इशू हो गया, लेकिन वो भी माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा था। जिस तरह ये दोनों लग रहे हैं, हम मैं और वो लग रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है।
तो इसकी ज़रूर तस्वीर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जो अच्छी वाली है। तो व्यूअर्स ये देखें, जो दोनों ने रस्म वगैरह की, सारा मीठा वगैरह खिलाया, अच्छा लगा। कहता है खानी है तो खाओ, मतलब इसने भी काफ़ी ज़रा शरारत की। ये देखें जी, फाइनली मैंने खुद ही मतलब खाना मैंने कहा आप खिला भी दो, कहता अच्छा ठीक है अब बस शरारत मेरे फेस पे भी लग गया, लिप्स पे हल्दी वगैरह लगाई, और हल्दी का भी बहुत अच्छा एक पत्ता था, उसको भी डेकोरेट करके सायरा ने मेरे हाथ पे रखा हुआ था। एक साइड पे पैसे रख रहे थे और एक साइड पे ये, तो ये देखे कहते कितने पैसे लेने हैं कल की तरह। मैंने कहा आज जितने दे दो आज ज़्यादा दे देना क्योंकि आज मेरे हाथ ही आने। कहते ठीक है ये लो। बहुत ज़्यादा अच्छी इसने भी की रसम। तो ये देखे जी, इसके बाद मेरी कज़न, मेरी फ्रेंड्स वगैरह आई, तो ये देखे जी जिन्होंने मुझे रेडी किया वो भी साथ, जितने भी ये मतलब कज़न वगैरह, और अब साथ साथ मेरी बेस्टी बैठी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर सेटअप पसंद आ रहा होगा। ये देखें जी, इतनी अच्छी मतलब ड्रेसिंग वगैरह करी है उन्होंने मेरी बेस्टी ने, सारे और बच्चे बार बार पीछे से गुजर रहे थे ऐसा जैसे यहाँ भी रास्ता बना हुआ। इतना ज़्यादा कैमरामैन बोला पीछे हो फिर भी बच्चों के आप ही यहाँ से गुजर जाएँ, आप ही यहाँ से गुजर जाएँ। इतने लंबे बाल हैं इनके, ये देखें कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। इन दोनों बहनों के बाल बहुत ज़्यादा अच्छे और लंबे हैं। मामू ने की मामू कहते हैं आज तो जितने मांगूंगे उतने ही दूंगा। कहते हैं साथ साथ नेहा के भी बुलाते हैं, उसकी भी तस्वीर बनाते हैं। मामू ने साथ मुझे भी दी और साथ मेरी मतलब जो बैठी हुई थी सबराली उनको भी मिले। उसके बाद मामू मामी सब ने रस्म वगैरह की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सब बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा मतलब पैसे इकट्ठे कर रहे, कोई कह रहा था अच्छा ये कहाँ कर लोगी क्या करूँगी इनका, मैंने कहा ये करूँगी वो करूँगी, साथ साथ बातें भी कर रहे हैं मज़े भी कर रहे थे। तो साथ ये देखे जी, बेस्टी के साथ इतना अच्छा लग रहा था, उनको भी पैसे मिल रहे थे। मैम वगैरह कह रही थी जल्दी, ये देखे मामू, मामू कहते हैं अच्छा चेंज है, मैंने कहा जी चेंज भी है, तो कहते हैं अच्छा जी। मैम को बहुत जल्दी थी, मैम कह रही थी हमारे मोहल्ले के जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बहुत ज़्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, तो रस्म वगैरह करने के बाद कहती हैं आप मुझे इजाज़त दें मैं जा रही हूँ। ये देखे ये गाना बांध रहे हैं, मुझे भी बांधा और साथ बड़ी मामी ने और छोटी मामी ने बांधा। मामा आप बाल ठीक कर रहे हैं, कह रहे हैं थोड़े से बाल पीछे कर लो क्योंकि थोड़ा सा ना तस्वीर वगैरह का इशू हो रहा था इस वजह से। तैयारी वगैरह पहले नहीं करके उस दौरान आके इन्होंने सारी तैयारी की और कहते हैं अच्छा ये करना है वो करना है। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी ज़रूर वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करता है। इसी तरह मिलती रहूँगी नई नई वीडियो के साथ। अभी मैंने आपके साथ बारात की जो वीडियो है वो भी शेयर करनी है। अभी आप तो तुम देखना है कि मैं दुल्हन बनी कैसी लग रही है वो भी, और मेकअप कैसा है ये सारा कुछ, उसके भी फोटोशूट वगैरह जो भी पिक्स वगैरह वो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो फैमिली वगैरह भी आ रही है साथ साथ, बातें वगैरह भी हो रही हैं, लेकिन शोर कम था इस दिन, सारे मतलब ये थे कि अच्छा जाना है लेट और ये करना वो करना इसलिए, लेकिन फिर भी अच्छा टाइम गुजर गया था इस दिन। मतलब म्यूज़िक वगैरह तो नहीं था, उससे पहले इन्होंने कर लिया था म्यूज़िक वगैरह फ़न जो भी करना था, लेकिन अभी रस्म पूरी कर रहे थे। साथ साथ मेरी स्टूडेंट्स भी आई हुई थी, कुछ मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, मेरी बेस्टी आई हुई थी, कज़न्स वगैरह आई हुई थी, और साथ साथ मुझे बोला जा रहा था जल्दी करें ये करें वो करें खाना वगैरह भी, मैंने कहा नहीं मेरा नहीं दिल है। ये देखिए जी, खट्टी मीठी भी आई हैं। गाइस आपको भी ये मेहंदी की जो वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, थोड़ी सी छोटी है लेकिन मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी, मैंने मतलब इसके बाद कोई काम करना था, वीडियो भी सेव करनी थी आपके लिए ज़रूर बनानी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपने ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे इजाज़त दें, आप देखें मेरे फोटोशूट की कुछ पिक्स हैं या जो भी थोड़े मोमेंट्स हैं अच्छे अच्छे वो दिखाएँ, और ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहे और मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई वीडियोज़ बनाती रहूँगी। ये कुछ पिक्स हैं जो मेरी मतलब जो मोमेंट्स थे वो वाली, कुछ मेरी फैमिली के साथ हैं, कज़न्स वगैरह के साथ हैं, कुछ जो हम मतलब जहाँ पे फ़ोटोशूट करने के लिए गए थे वो हैं। बहुत साइड अच्छी जगह थी, बहुत ही अच्छी थी, इतनी अच्छी अच्छी पिक्स वगैरह आ रही थी, और फ़ोटोशूट करवाने वाले भी बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनको बहुत ज़्यादा, मेरे भाई भी हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ोटोशूट अच्छा किया। अगर आप करवाना चाहते हो तो आप ज़रूर मोदी स्टूडियो देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं इसलिए जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत काम करना है व्यूअर्स, मुझे बहुत काम है, तो मैं फिर भी आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो ये देखें जी कितने अच्छे ये, इतने ज़्यादा ये
मुझे बहुत अच्छा अपना फ़ोटोशूट लगा, स्पेशली मेहंदी का। बारात का जब शेयर करूँगी आप कमेंट करेंगे तो फिर पता चलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, पिक्स वगैरह पसंद आ रही होंगी। इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहे, मैं आपके साथ से नई वीडियोज़ शेयर करती रहूँगी। अभी तो बहुत कुछ है, बहुत फन है। अभी मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े की पिक्स वगैरह हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। तो व्यूअर्स, इसके लिए आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा, कर लें, क्योंकि अभी बहुत कुछ है। सिस्टर वगैरह भी फ़ोटोशूट के लिए गए थे, हम फैमिली गए थे, मामा नहीं थी कि मामा कह रही थी मैं घर रहूँगी, क्योंकि घर में भी तो काफ़ी ज़्यादा गेस्ट वगैरह थे। तो प्यारे गाइस, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो